हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 75 ईयर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के 75 साल बाद जो है भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। प्राचीन काल से भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में काफ़ी धन संपदा मौजूद थी। तो प्राचीन काल में जो है भारत को सोने की चिड़िया कहते थे क्योंकि उस समय जो भारत के पास धन संपदा थी वो बहुत काफ़ी मात्रा में थी। 1600 ईस्वी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति GDP 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि उस समय अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से भी अधिक थी। देख रहे हैं जब अंग्रेज आ रहे थे तभी जो भारत की GDP थी वो सभी देशों से, आज जितने भी विकसित देश हैं उनसे सबसे बहुत ज़्यादा थी। भारत की यह संपत्ति विदेशी आक्रमणों का कारण भी बनी थी। इसी संपत्ति की वजह से विदेशी आक्रमण हमारे यहाँ होते रहते थे। विदेशी लोग इस संपत्ति को देख देख के आकर्षित होते रहते थे। प्राचीन भारत विश्व व्यापार का केंद्र था। यह खाद्य पदार्थ, कपास, रत्न, हीरे आदि निर्यात में सबसे आगे था। भारत जो है उस समय प्राचीन समय में खाद्य पदार्थ, कपास, रत्न और हीरे आदि के निर्यात में विश्व में नंबर एक पर था। भारत उस समय विनिर्माण का सबसे बड़ा केंद्र था। मुगलों के शासन शुरू करने से पहले भारत 1 AD से 1000 AD के बीच दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। वर्ष 1526 से 1793 के बीच भारत की इनकम 17.5 मिलियन पाउंड ग्रेट ब्रिटेन की आय से अधिक थी। उस समय जब 1526 से 1793 में भी इसकी इनकम बहुत ज़्यादा थी। वर्ष 1600 AD भारत GDP 1305 डॉलर थी। ब्रिटेन की उस समय 1137 डॉलर थी GDP और अमेरिका की GDP 897 डॉलर थी। चीन की 940 डॉलर प्रति व्यक्ति थी। तो देख रहे हैं 1600 ईस्वी में सबसे ज़्यादा भारत की ही GDP थी और ये अमेरिका की तो बहुत ही कम थी, 897। 1000 वर्ष मुगल अन्य आक्रमणकारियों के बावजूद भारत की GDP विश्व की GDP का योगदान 25% था। 1600 ईस्वी में लमसम सभी जो है आक्रमणकारियों के बावजूद भी विश्व की जितनी GDP होती थी उसमें 25% योगदान सिर्फ इंडिया का रहता था। लेकिन जब अंग्रेज छोड़कर गए तो विश्व GDP में भारत का योगदान 2 से 3% रह गया था। तो देखिए हमारा मतलब कितना अंग्रेज़ों ने शोषण किया कि जो 25% जिसकी GDP होती थी विश्व की GDP में, वो सिर्फ जब अंग्रेज यहाँ से गए तो 2.3% रह गए। आज़ादी के समय सिर्फ 2.7 लाख करोड़ रुपए की GDP थी। भारत में मौजूदा GDP 150 लाख करोड़ रुपए के करीब है। तो देख रहे हैं जब आज़ाद हुआ था देश तो 2.7 लाख थी, अब भारत में मौजूदा GDP 150 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने जो है आज़ादी के बाद बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस किया है। वर्ष 1948 में औद्योगिक नीति और मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव रखा। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने औद्योगिक नीति और मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव रखा था। 1960 के दशक में युद्ध, अकाल के कारण अर्थव्यवस्था गिरी थी। 1960 के दशक में जो थी भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ा डाउन हो गई थी क्योंकि अकाल और उधर पाकिस्तान चाइना से युद्ध होने के कारण बहुत ज़्यादा अपने यहाँ संकट आ गया था। लेकिन हरित क्रांति, 60 के दशक में ही हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ने सरप्लस की स्थिति में ला दिया था। तो हमारे यहाँ जो है
हरित क्रांति और श्वेत क्रांति दोनों क्रांतियों ने विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में और दूध उत्पादन में विश्व में हम लोगों को प्रथम स्थान पर ला दिया, एक सम्मानजनक स्थिति में ला दिया था। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, हम पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करते हैं जिसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, ज़्यादा गर्मी और जंगलों में आग का जिम्मेदार किस गैस को माना गया है। ये पिछले वीडियो का एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका उत्तर कौन सबसे पहले बताता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर डिवीजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, इसमें कंजूसी ना किया करिए और अपने छोटे बड़े भाइयों को भी इसे शेयर कर दिया करिए जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।